वेलकम टू निया इमेजिनेशन डॉट कॉम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे भी क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निया इमेजिनेशन डॉट कॉम। रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि कपड़े की सही साइड को कैसे पता लगाते हैं, कि कौन सी साइड सही है और कौन सी गलत, कौन सी साइड सही साइड पे यानी कि फ्रंट पे आएगी और कौन सी अंदर की तरफ आएगी। आज देखिए मैं ये सब के बारे में समझाऊंगी आपको। एक एक करके समझते हैं। कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जिनमें इजीली पता चल जाता है, जैसे कि आप देखें ये एक क्लोथ है, इसको मैं दूसरी साइड पर देखूं ये वाला, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ा और इसकी उल्टी साइड ये है। कैसे पता चला? ये तो सबसे आसान था, क्योंकि इसकी अगर कन्नी देखें हमेशा उल्टी साइड है या सीधी साइड है। इसके लिए क्या चेक करते हैं? ये साइड वाली कन्नी। इसके करने देखें तो ये डार्क है, इससे पीछे देखें तो ये लाइट है और इसके कलर्स में डिफरेंस भी आ रहा है। ऐसे हम पता लगा पाते हैं कि सही साइड कौन सी है और गलत साइड कौन सी है। हमें क्या पता चला यहाँ पर कौन सी गलत है? ये वाली साइड गलत है। तो इसमें तो बहुत आसान था। अब कुछ और देख लेते हैं। अगर किसी कपड़े में, किसी सूट में या ड्रेस में वर्क हुआ है, जैसे कि ये वाला सूट है, इसमें वर्क हुआ है, अगर आपको इसको स्टिच करना था तो आपको समझ में आ गया कि जिस जगह पे वर्क हुआ है, कढ़ाई हुई है, वो आएगा आपका सही साइड पे। जिस जगह पे ये नहीं हुआ यानी कि इसकी फिनिशिंग नहीं है, वो आएगा इसकी गलत साइड पे। यहाँ पर तो आपको सही गलत इजीली समझना आ गया। ऐसे ही ये जो सेल्फ प्रिंट वाले कपड़े होते हैं, यहाँ पर है आपका प्रिंट वर्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं दे रहा, तो आपको पता चल गया कि ये गलत साइड है और ये सही साइड है। अब उनमें क्या करें जिसमें कुछ भी पता नहीं चलता? इसको ले लेते हैं। यहाँ पे इस कपड़े की अगर करनी देखेंगे आप, यहाँ से भी ऐसी लगती है, यहाँ से भी ऐसी लगती है। अब क्या करें? यहाँ पर इस करनी में आपको मे बी मैं दिखा ना पाऊँ, लेकिन आप अपना एक कोई भी कपड़ा लीजिए जिसकी करनी का पता नहीं चलता कि कैसे पता लगाएं, तो उसमें आप ऑब्जर्व कीजिए, ऐसे पकड़िए करनी को और आप ऐसे पकड़ के ऐसे जब करेंगे ना ऑब्जर्व, तो यहाँ पर एक उबर खाबड़ सा लगेगा। ठीक है, अगर उबर खाबड़ सा लगेगा मतलब कि उभरा हुआ सा लगेगा, यहाँ से फ्रिक्शन महसूस होगा आपको, इसका मतलब ये आपके कपड़े की गलत साइड है। जो ये वाली साइड है इसकी, यहाँ से मैं ऐसे फिंगर लगा रही हूँ तो ये बिल्कुल प्लेन है, इसका मतलब ये सही साइड है और ये आगे की तरफ आएगी और ये अंदर की तरफ आएगी। ये है कपड़े की गलत साइड, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे पकड़ रही हूँ तो यहाँ पर थोड़ा उबड़ खाबड़ सा फील हो रहा है, पूरे में नहीं फील होगा, सिर्फ जितनी ये करनी बनी होगी इतनी, सिर्फ उसी में ऐसा फील होगा। इसका रीज़न भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। हम इस पैंट के कपड़े को देखते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है। अब यहाँ पर पता कैसे लगेगा कि ये कौन सी वाली साइड है, इसके ये वाली साइड सही है या ये वाली? जो इनकी कन्नियाँ होती हैं, इनमें आप ध्यान से देखिएगा, अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर छेद होते हैं छोटे छोटे, दिखाई दे रहे हैं छेद? ठीक है, जब ये छेद होते हैं सुई के, मतलब अब जब सुई ऐस के ऊपर चलती है तो सुई ऐसे छेद कर देती है इनकी कन्नियों में, ऐसे छेद ऊपर से हुए हैं तो यहाँ से ये सही साइड है, क्योंकि जब ये छेद ऊपर से हुए हैं तो ये वाली चीज़ प्लेन है। मैं अगर इसको हाथ लगा के समझने की कोशिश करूँ फिंगर से, तो ये प्लेन है, लेकिन ये वाली साइड से जिस जगह पे सुई गई है इस तरीके से नीचे की तरफ, तो यहाँ से ये उबड़ खाबड़ होगी यानी कि उभरी हुई होगी, बाहर को निकला हुआ होगा यहाँ से कपड़ा। तो इसका मतलब यहाँ वाला जो छेद है इस पर अगर मैं हाथ लगाऊंगी इस तरह से, तो ये चुभेगा मुझे, मेरे हाथ पे थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन महसूस होगा, इसका मतलब ये कपड़े की गलत साइड है, ये कपड़े की गलत साइड है। आपके घर में कोई भी कपड़ा हो उसको पकड़ के देखिए, और अगर आप देखना चाहते हैं आई से भी, आँखों से, तो यहाँ से अगर उभरा हुआ लगेगा तो इसका मतलब ये कपड़े की गलत साइड है। लेकिन हमारी आई साइट इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे हाथ लगा के देखेंगे, अगर ये उभरा हुआ है हमारे हाथों पे महसूस हो रहा है तो ये गलत साइड है। यहाँ से देखेंगे ये बिल्कुल प्लेन है यहाँ से, तो ये सही साइड है। इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि ये वाले जो इसमें छेद होते हैं ये कौन से होते हैं, ये सुई के होते हैं, इस करनी के ऊपर ऐसे सुई चलती है, तो जहाँ जाके नीचे गई तो ये कपड़े की गलत साइड है। अब हम देखते हैं ये नेट का कपड़ा,
ये जो नेट का कपड़ा है इसमें भी कैसे पता चलेगा? इसकी भी जो कन्नी होती है ये वाली, किसी भी कपड़े के सही साइड और गलत साइड पता लगाने के लिए कन्नी को देखते हैं। इसकी भी एक साइड की कन्नी प्लेन मिलेगी आपको, देखिएगा ये बिल्कुल प्लेन है, देख भी सकते हैं बिल्कुल ध्यान से, देखिए इसको यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिए कि यहाँ से क्या डिफरेंस है। यहाँ से कपड़ा उभरा हुआ है, यहाँ से जो नेट का वर्क हुआ है ये ऊपर की तरफ आया हुआ है, और अगर हाथ भी लगाएंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ये प्लेन है और यहाँ से ये उभरा हुआ है। तो इसका मतलब ये वाले कपड़े की, नेट के कपड़े की गलत साइड है। आज हमने सीख लिया अलग अलग तरीके के कपड़ों के लिए ये वाली गलत साइड है क्योंकि ये उभरा हुआ है कपड़ा। अब हम सबसे पहले वाले एग्जाम्पल को दोबारा एक बार एनालाइज कर लेते हैं लास्ट में। यहाँ से बिल्कुल प्लेन है और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इसका जो कन्नी है इसका कलर चेंज है थोड़ा, तो इसमें आसानी से आप पता लगा सकते हो कि ये गलत साइड है। और मैं जब इस पर हाथ भी लगाऊंगी इस तरीके से तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ से मेरे हाथों पे कुछ फील हो रहा है तो ये कपड़े की गलत साइड है। यहाँ से हाथ लगाऊंगी तो ये बिल्कुल प्लेन होगा। आज हमने सीख लिया कि कैसे अलग अलग तरीके के कपड़ों का पता लगाएं कि कौन सी सही साइड है और कौन सी गलत साइड है। तो nearimagination.com ऐसे ही देखते रहें, कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, मुझे स्विंग चैट पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, अपने मेकिंग्स में साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक एक्सेट्रा पे। थैंक यू। नियर इमेजिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पर बेल आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। आप मेरी वीडियोस यहाँ पे वीडियो कॉलम पे जाके और कोई भी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है।